बंदे ने मुझे कहा था ये बिल्कुल स्नो वाला है, आराम से वॉटरफॉल के थ्रू तुम जाओगी तो ऐसा लगेगा तुम जन्नत में आ गई हो। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी रोलर कोस्टर में बैठ गई हूँ। तो ये मैं हूँ यहाँ क्रेजी हाउस की छत पे, और ये नीचे जो है यहाँ से होते जाए। हेलो हेलो जी है Not three. मैं हूँ एमी। मैं हूँ तानी। और ये है इनाया। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं वियतनाम के एक बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही खूबसूरत से माउंटेनियस टाउन में, जिसका नाम है दलात। तो दलात हम लोग असल में कल पहुंचे थे साइगोन यानी होचीमिन से। हम लोग कल सुबह सवेरे निकले थे, तकरीबन 7-7:30 बजे हम लोग उठ के बस स्टॉप गए थे, और तकरीबन वहां से हमने 8 घंटे की बस ली थी। और जिस बस कंपनी के साथ हमने ये 8 घंटे का सफ़र तय किया है उसका नाम था थान बोए, और बहुत आरामदेह सफ़र था, बिल्कुल हमारी तवक्कुआत से हट के जो है वो बस थी, बहुत अच्छी बस थी, लग्जूरियस बस थी। अच्छा, जहाँ तक फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ की बात थी, बस की फैसिलिटीज़ जो हैं वो लाजवाब थी। उसमें डस्टबिन था, उसमें प्राइवेसी के लिए उन्होंने कर्टन दिया हुआ था, एडजस्टेबल विंडो ब्लाइंड्स थे। उसके अलावा जो है सर्विस बहुत अच्छी थी, मुख्तलिफ जगहों पे बस जो है वो रुकती भी आई है, तो अगर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं या इवन सोलो भी ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम अपना रुख करेंगे दत्तन ला वाटरफॉल का, एंड बिकॉज ये माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे जो वाटरफॉल है उधर एक यूनिक रोलर कोस्टर टाइप ऑफ एक्टिविटी होती है, सो वी आर गोना गो अहेड एंड डू दैट टुडे। उसके अलावा यहाँ पे दो बहुत फेमस और खूबसूरत लेक्स है जिनको हम विजिट करेंगे। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे फ्रेंच रह के गए हैं, यहाँ का कैफे कल्चर बहुत अच्छा है, सो वो भी हम इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा डार्क हो हम अपना रुख करेंगे लैम वीएन स्क्वायर की तरफ, विच इज़ द मोस्ट हसलिंग बसलिंग प्लेस एट नाइट, और सारे लोग वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे नेक फ्रंट व्यूज है एंड इट इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एट नाइट। तो टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, क्योंकि हमें कल यहाँ से निकलना है, दूसरी जगह जाना है, तकरीबन 6 घंटे का सफर फिर से तय करना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में क्यों हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास वीज़ा 21 तक का है, तो इसलिए हमारे पास मुश्किल से 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में हमें साउथ से पूरा नॉर्थ तक जाना है, हनोई तक। और इस सबके अलावा यहाँ पे मॉनसून सीजन जो है वो शुरू हो गया, तो बारिशें जो हैं वो टिका के हो रही हैं, सुबह शाम बारिश हो रही है, तो उसी के हिसाब से कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को फिट इन करें और स्केड्यूल जो है बारिश के हिसाब से सेट करें। यहाँ का ट्रैफिक जो है ना वो मुझे कराची की याद दिला रहा है, बदतरीन ट्रैफिक है, जिसका जहाँ दिल चाहता है घुसा देता है, बाइक हो, आदमी हो, हो, हाथ हो, गाड़ी हो। कल भी रात में हमने देखा था 2 मोटरसाइकिल वालों की आपस में टक्कर होगी। तो हम दत्तनला वाटरफॉल्स आ गए हैं, और यहाँ पे अलग अलग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी से मतलब मैं देख रही हूँ दूर से लाइन है लंबी सी, एंड हमें एक्चुअली एक स्पेशल टिकट लेनी है, हमें अल्पाइन कोस्टर करना है। आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। हेलो अच्छा, तो टिकट हमने ख़रीद लिया और टिकट जो है वो हमें पड़ा है तकरीबन 250 वियतनामीज़ डोंग का पर पर्सन, और इनाया का जो है तकरीबन पड़ा है हमें 150,000 वियतनामीज़ डोंग का, जो कि काफ़ी रीज़नेबल है। और हम लोग अपनी ज़िंदगियों में ये पहली दफ़ा कर रहे हैं एल्पाइन कोस्टर। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि ये स्विट्ज़रलैंड में बहुत फिट होता है और लोग यूरोप में बहुत पसंद करते हैं, हमें मतलब कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग वियतनाम में अल्पाइन कोस्टर कर रहे होंगे। यहाँ का जो स्टाफ है वो मेरे ख्याल से एक ट्रायल रन करेगा, चेक करेगा कि सारी चीज़ें सही हैं, कोई मसला वसला तो नहीं है। उसके बाद फिर ये एक राउंड लगा के वापस आएंगे, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से लोगों के लिए खोलेंगे। मुझे
मुझे तो लग रहा है जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई ना, मतलब हर सीरीज में कुछ ना कुछ अलग आप अचीव कर रहे हो, तो इसमें तो हम नहीं, मैं स्पेसिफिकली सारी वो चीज़ें फेस कर रही हूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत यू नो आई एम टाइम स्केयर्ड। यार इधर लोग लाइन काट के यहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानियों वाला हिसाब हो रहा है यहाँ। You same bro. Okay, okay. You same bro. Okay, you wish to go. So is this the break? Yeah, right. Okay, you will wish to okay. go and when you want the break. Chalein ji, bismillah rahman rahim. Allah. Inaya. बंदे ने मुझे कहा था ये बिल्कुल स्नो वाला है, आराम से वाटरफॉल के थ्रू तुम जाओगी तो ऐसा लगेगा तुम जन्नत में आ गई हो, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं किसी रोलर कोस्टर में बैठ गई हूँ। सारे लोग मेरे आगे, चार और लोग बैठे हैं और हर बंदा स्लोली जा रहा है बिकॉज अब वाटरफॉल आ गई है और इसीलिए लोग ये करते हैं ताकि आप वाटरफॉल देखो, इन्जॉय करो। इट्स आई थिंक इट्स द बेस्ट वे कि आप वाटरफॉल एक्सपीरियंस करें। नानी जो है वो पीछे माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। 2 inches turns, ठंडी हवा और ऑफ कोर्स द चेरी ऑन टॉप, अ व्यू मतलब मैं क्या बताऊँ इस व्यू का। अच्छा तो हम लोग एल्पाइन कोस्टर से जो उतर चुके हैं, यहाँ पे एक स्टॉप बनाया हुआ था, जंक्शन सा छोटा, यहाँ पे बहुत खूबसूरत सा उन्होंने एक सेटअप सा बनाया हुआ है, रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे से कैफेज हैं, कॉफ़ी की जगह है, यहाँ पे पानी वाला पहिया जिससे कहते हैं वो भी है मेरे पीछे, उसके अलावा दलाद की सबसे फेमस और सबसे बड़ी वाटरफॉल दतन लाग ये राइट पे। थैंक यू। अच्छा तो वाटरफॉल हमने एंजॉय कर लिया और एल्पाइन कोस्टर के ऊपर जो है सवार हो चुके हैं। पहले हम लोग नीचे जा रहे थे, अब हम लोग बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं वापस। अच्छा लोग यहाँ पे हाइक करके भी आते हैं कुछ, लेकिन हमने जाहिर है ये एडवेंचर जो है एक्सपीरियंस करना था तो इसलिए हमने एल्पाइन कोस्टर को चुना, वरना हाइक करके भी आया जा सकता है। लेकिन अभी बारिश बहुत हो रही है, रेनी सीजन है तो मडी बहुत होगा और स्लिपरी बहुत होगा। इत्तेफाक से भी मौसम अचानक से अच्छा हो गया और धूप निकल आई है, लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं चलता, पलक झपकते जो है वो मौसम चेंज होता है। अच्छी खासी चढ़ाई है, मज़ा आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि वियतनाम ने वाकई में हमें हर तरह से सरप्राइज़ किया है। हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वियतनाम में ये सारी चीज़ें, ये एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सब कुछ कर रहे होंगे। इवन लाओ कैम्बोडिया में भी वाकई में दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने इतना सब कुछ सहने के बाद 20 साल यहाँ पे वियतनाम जंग चली है, और उससे पहले भी 1945 में वियतनाम जो है आज़ाद हुआ था, उससे पहले जो है ये ज़ाहिर एक फ्रेंच कॉलोनी थी, उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ था, और उसके बाद जब इनको आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद जो है तकरीबन 10 या 15 साल बाद जो है वो अमेरिका ने यहाँ पे धावा बोल दिया, यहाँ पे जंग शुरू हो गई थी और नॉर्थ वियतनाम की साउथ वियतनाम से जो है वो लड़ाई चल रही थी। उसके बावजूद पिछले मेरे ख्याल से 40-45-50 सालों में जितना इन्होंने तरक्की की है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए, हर लेवल पे इन्होंने बहुत तरक्की की है और वो नज़र आती है, नुमाया तौर पे नज़र आती है। तो इस चीज़ ने जो है वाकई में हमारा दिल जीत लिया वियतनाम आके। कोई बात नहीं, टाइट पकड़ा होता। क्या मजा है। अच्छा
अब हम सबसे एक करीबी लेक है वहाँ जा रहे हैं और यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चलता, एक मिनट बारिश हो रही होती है फिर सूरज निकल आता है, सो आई एम होपिंग कि मौसम अच्छा रहे एंड आई थिंक 5-10 मिनट में हम पहुँच जाएंगे वहाँ। अब हम जा रहे हैं टुयिन लाम लेक एंड दिस इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेक्स आई हैव एवर सीन। हम बैक इन द डेज जब स्लोवाकिया गए थे, इट एक्चुअली रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, लेकिन इधर ऑफकोर्स मौसम बिल्कुल अलग है, द क्लाउड्स आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन और रेनी सीजन है तो उसका एक अपना यूनिक मज़ा आ रहा है एंड वी जस्ट गोइंग टू द अदर साइड राइट नाउ। अच्छा तो ये जगह जो है ये मुझे रिमाइंड कर रही है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की, जैसे हम लोग जाते थे कराची से कभी सैफुल मलूक झील की तरफ, नारान कागान की तरफ, तो बिल्कुल वैसी ही नज़ारे हैं इस जगह के। मेरे अकब में जो है वो पहाड़ हैं और पहाड़ जो हैं वो अभी पूरे बादल से जो हैं ढके हुए हैं, कवर्ड हैं और ज़ाहिर हल्की हल्की फुहार भी पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ग्रीन है पूरी जगह, हरियाली है, सरसब्ज व शादाब है पूरी जगह। और इसीलिए मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक कपल आया हुआ है, अभी मेरे ख्याल से उनकी न्यूली वेड्स हैं, उनकी शादी हुई है और यहाँ पे उनका जो है वो फोटोशूट भी चल रहा है। जगह ऐसी है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी जगह आपको मिल नहीं सकती फोटोशूट करवाने के लिए। शादी के शुरू में तो जाहिर है आप ऐसी जगहों पर जाते हो, बाद में फिर ये सारी ऊंच नीच होती है, बाद में फिर ये लड़ाई झगड़े और ये सब कुछ शुरू होता है, लेकिन ये जगह की बात करते हैं अभी। जगह वाकई में बहुत अच्छी है, अगर दलात आ रहे हैं तो ये वाकई में दलात में एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाना बनता है। दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा कि इस जगह को छोड़ के जाएं, दिल यही कर रहा है कि बस यहीं बैठें, गर्मा गर्म भुट्टे खाएं, चाय पिएं, ये सब करें, लेकिन जाहिर है मतलब इतनी पुरसकून जगह देखने के बाद अब कुछ हल्का फुल्का इमी और तानी के अंदर कीड़ा तो उठता है कुछ क्रेजी करने का, तो इसीलिए अब हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ। यहाँ पे एक होटल स्लैश घर है, क्रेजी हाउस के नाम से जाना जाता है, तो सिटी सेंटर चलते हैं और क्रेजी हाउस देखते हैं और चेक करते हैं कि क्यों इतना क्रेजी है। अच्छा तो हम लोग पहुंच चुके हैं अंदर क्रेजी हाउस के इस वक्त और यहाँ का आर्किटेक्चर वाकई में बहुत यूनिक है, बहुत अलग है, बहुत हटके है। मैंने आज से पहले कभी इस तरह का आर्किटेक्चर जो अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जो आर्किटेक्ट थी जिसने ये डिजाइन किया था पूरा क्रेजी हाउस, उस दौर में जो वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी होते थे उनकी वो साहबजादी थी और उन्होंने ये जो है तख्लीक किया था, उनका ये आइडिया था, उनका ये ख्वाब था एक तरह से। बेसिकली उन्होंने यही कहा था कि मैंने एक ख्वाब देखा था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन करूं, आर्किटेक्चर जो दुनिया में आज से पहले कभी किसी ने ना बनाया हो ना देखा हो, इस तरह की वाइल्ड वियर्ड और वंडरफुल बिल्डिंग वो क्रिएट करना चाहती थी। अच्छा ना सिर्फ ये क्रेजी हाउस जो है वो क्रेजी है, मतलब यहाँ पे बेडरूम्स और इस तरह का जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल यूनिक और अलग है, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे छोटी और तंग सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं जो कि लीड करती है मेरे ख्याल से जो छत का एरिया है उसको। और इम्तिसाल इनाया को मैंने यहाँ नीचे कहा है कि तुम लोग खड़े हो, क्योंकि इनाया जो है वो तो जाहिर है बिल्कुल नहीं कर सकती इस तरह की चीज़, ये दोनों तरफ से बिल्कुल खुला हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल मैं ख़तरनाक जगह से गुजर रहा हूँ, तो ज़्यादा बेहतर आई थिंक मैं अगर झुक के जाऊँ। तो ये मैं हूँ यहाँ क्रेजी हाउस की छत पर और ये नीचे जो है यहाँ से होते आए। अच्छा ये वाकई में जगह बहुत तंग है, यहाँ पे चलने की बिल्कुल जगह नहीं है और जो भी बंदा एक्रोफोबिक है उसके लिए नहीं है ये जगह, जिसको हाइट से थोड़ा सा डर लगता है। अगर किसी ने पीछे से धक्का दिया तो मैं सीधा नीचे जाऊँगा, तो वहाँ से मैं होता हुआ आया हूँ, जो सीढ़ियाँ देखें तंग सी वहाँ से मैं नीचे आया हूँ और ये मेरे ख्याल से इसका फ्रंट है। तो
जब से हम यहाँ पहुँचे हैं एक चीज बहुत ऑब्वियस है और वो ये है मोस्टली जो घर बने हुए हैं वो उसी फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड के हैं. दे आर रियली लॉन्ग. जो उनके रूफ्स हैं वो स्लाइटली स्लैंटेड हैं और बहुत कलरफुल हैं. वही सेम फ्रेंच आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है यहाँ पे. और जो हिली एरिया है ना वो उसको बहुत यूनिक बनाता है बिकॉज़ दे लुक लाइक अ फेरी टेल. लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी सेट में खड़ी हुई इस वक्त. जो इस क्रेजी हाउस की आर्किटेक्ट थी ट्रोंग चिंग, उन्होंने कुछ अरसे पीएचडी की थी इन मॉस्को और उसके बाद उन्होंने रशिया में भी काम किया था बिफोर शी मूव टू द सिटी ऑफ हनोई. लेकिन हनोई में उनको ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकती हैं. तो एक दिन वो दलात आई एंड शी फेल इन लव विद द लैंडस्केप एंड देन शी एक्चुअली रिलोकेटेड लेटर हियर विद हर सन. और कुछ अर्से उन्होंने यहाँ पे एज एन आर्किटेक्ट काम किया लेकिन उनको फील नहीं हुआ कि वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पा रही हैं. सो देन शी स्टार्टेड काइंड ऑफ मेकिंग पेंटिंग्स और ये जो पूरा घर है उन्होंने अलग अलग काइंड ऑफ पेंटिंग्स में बना कर ज्वाइन किया एक दिन एंड देन शी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस प्लेस. अच्छा जब से हम लोग दलात आए हैं यहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है जो बिल्डिंग्स हैं कैफेज हैं रेस्टोरेंट्स हैं होटल्स हैं वो काफ़ी सिमिलर हैं जो फ्रांस में होते हैं. जाहिर है क्योंकि यहाँ पे फ्रांस ने इतने अरसे रूल किया है. यहाँ पे जो फ्रेंच कॉलोनियल पीरियड था यहाँ पे फ्रेंच लोग रहते थे. उन्होंने ही बल्कि इस टाउन को डिस्कवर किया था. तो यहाँ पे काफ़ी रिजेम्बलेंस है फ्रेंच आर्किटेक्चर से. और ये जिस कैफ़े हम लोग अभी पहुँचे हैं ये उसी की जीती जाती मिसाल है. 100 रूफ कैफे के नाम से ये जगह जो है जानी जाती है. अपेरेंटली यहाँ पे डिफरेंट टीयर्स बने हुए हैं और आप पूरा क्लाइंब अप करके टॉप पे जा सकते हैं जहाँ से खूबसूरत सा एरियल एक व्यू आता है इस पूरे टाउन का. अंदर चलते हैं चेक करते हैं कि कैसे व्यू है ऊपर. हंड्रेड रूफ्स कैफे पे कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हमने अपना रुख किया टूवर्ड्स द दालात सिटी सेंटर. अच्छा किसी ठंडे इलाके को जो घूमने का मज़ा होता है वो उस वक्त तक मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं होता जब तक आप भुट्टा ना खा लें गर्मा गर्म वो भी सिका हुआ कोयलों के ऊपर. और यहाँ पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि हमें भुट्टा भी मिल गया है उसके अलावा यहाँ पे शकरकंदी भी है और उसके ऊपर जो है वो यहाँ पे हरा धनिया पुदीना और वो जो हरी मिर्चों की चटनी होती है वो उसके ऊपर जो है लगा के दे रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से यहीं का स्टाइल होगा. यहाँ के लोग ऐसे ही खाना पसंद करते होंगे और अंडे भी रखे हैं उसके साथ. तो अगर आपको अंडे भी उबलवाने हैं वो भी खाने एंजॉय करना है तो वो भी कर सकते हैं. तो हम जो है वो एक गर्मा गर्म भुट्टा बनवाते हैं. अच्छा यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वेजिटेरियन वाला स्टॉल अलग है और उधर मीट वाले आइटम्स ग्रिल हो रहे हैं तो मतलब हम भी सुकून से ले सकते हैं. एंड इट वाज ओनली 15,000 वियतनामीज डोंग व्हिच इज लाइक लेस देन अ डॉलर. अच्छा तो 100 रूफ्स कैफे से हम लोग वॉक करते हुए आ गए हैं सिटी सेंटर की तरफ. और मेन सिटी सेंटर जहाँ पे इनका मेन स्क्वायर भी है वहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी ये लेक है. इसका नाम है ज़ियान हुआंग लेक. तो हमने यहाँ पे जो है टिकट ले लिया है एक पैडल बोट जो है उसमें हम लोग थोड़ा सा चक्कर लगाते हैं लेक का. बहुत अरसे बाद जो है पैडल बोट करेंगे. मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो मैंने पैडल बोट की थी वो आज से कोई 10-15 साल पहले की थी तो याद भी नहीं है. तो यहाँ पे हमें मौका मिला है तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं. और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे जो है लाइफ जैकेट्स पहनाई जा रही हैं
क्योंकि लेक थोड़ी सी डीप हो सकती है, तो यहाँ पे नाया मैंने साल ने तीनों ने लाइफ जैकेट सेफ्टी फर्स्ट तो लाइफ जैकेट पहन लिया है। चलते हैं पैडल बोट में। सो हमने लेक का फुल चक्कर लगा लिया है ऑन द स्वान बोट। ऑनेस्टली मेरा फर्स्ट टाइम था पैडल बोट करते हुए एंड तानी ने मे भी बहुत अरसे पहले किया हो तो इसको काइंड ऑफ पता था इसको स्टीयर कैसे करना है। ऑल आई न्यू वाज लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक राइडिंग अ बाइक। और अब हम उस एरिया पे आ गए हैं जहाँ पीछे ट्रीज में लाइट्स लगी हुई हैं एंड दे लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, स्पेशली रात के वक्त बिकॉज पानी पे उसकी वो जो रिफ्लेक्शन पड़ रही है इट लुक्स मैजिकल। और आज का पूरा दिन बहुत ही यूनिक, बहुत ही मैजिकल फीलिंग वाला था एंड आई लव दिस पार्ट ऑफ वियतनाम। सो अब हम बस पहुँचने वाले हैं एंड पॉइंट पे एंड वी आर गोना वॉक टूवर्ड्स द नाइट मार्केट और इंशाल्लाह आज का दिन हम नाइट मार्केट पे एंड करेंगे। हमने पैडल बोटिंग कर ली है और तकरीबन 5 मिनट वहाँ से ये केओटिक स्ट्रीट फूड मार्केट है जो मेरे पीछे लगी है। स्ट्रीट फूड नहीं, मुझे कपड़े भी इसमें नज़र आ रहे हैं और इतना रश है, इट लुक्स मैसिव। वी आर जस्ट अबाउट टू गो इनसाइड और यहाँ पे ऑलरेडी फूड स्टॉल्स हैं और इतनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं, हमें भी अब भूख लग रही है तो लेट्स गो इनसाइड। सो हमें यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज नजर आई हैं, सो वी गोना गेट सम। और जब हम आज एक्सप्लोर कर रहे थे, यस प्लीज वन स्मॉल प्लीज स्मॉल, कैन आई हैव स्वीट, इज इट, थैंक यू, इज इट स्वीट। तो जब हम आज एक्सप्लोर कर रहे थे तो रास्ते में स्ट्रॉबेरी के फील्ड्स थे, सो इट्स गुड दैट देयर स्ट्रॉबेरीज हियर। Let's try one. Hello. 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 They look so amazing. Very yummy. अच्छा पिछले स्टॉल से हमने स्ट्रॉबेरीज ली थी लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रॉबेरीज विद मिर्चें मिल रही हैं और आई थिंक ये कच्चा आम है और एक और चीज़ है इसमें, सो लेट्स ट्राई इट। तो जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं तो वहाँ पे जैसे विंटर वेयर मिल रहे होते हैं, बूट्स, जूते, अलग अलग स्वेटर्स, हैट्स, बच्चों के कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे किस्म के, फ्लफी से बहुत ही क्यूट, तो एग्जैक्टली वो ही सीन है यहाँ पे। एक से बढ़ के चीज़ें मिल रही हैं, बहुत वैरायटी है और बहुत ज़्यादा रश है। एक साइड पे खाना मिल रहा है और दूसरी साइड पे कपड़े मिल रहे हैं एंड आई एम लाइक लविंग हाउ लाइवली इट इज गिवन दैट इट इज अ ट्यूसडे नाइट। आज की वीडियो एक खूबसूरत से टाउन की थी अबाउट दलात एंड इट वाज सच अ सरप्राइज फॉर अस। वाकई में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इस जगह से इतना प्यार हो जाएगा, एब्सोल्युटली लव इट। और इसी नोट पे हम वीडियो एंड करेंगे आज की। यहाँ रश ज़्यादा होता जा रहा है और रौनक बहुत ज़्यादा है, आई रियली लव दैट थिंग एंड वी गोना एंड इट ऑन दैट नोट। मेक श्योर करें कि आप सब हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।